बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिक्वेंशियल सर्किट्स के एक टॉपिक को करेंगे जो कि एनालिसिस ऑफ क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स है। अगर आप एनालिसिस याद करें तो हम पहले इसको कवर कर चुके हैं कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में। हम एनालिसिस करते थे कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का। अगर आपको याद हो एनालिसिस ऑफ कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में हम क्या करते थे, इनपुट्स को लेते थे, इनपुट से सर्किट को स्कैन करना शुरू करते थे आउटपुट्स तक, और हम एक एक्सप्रेशन निकाल लेते थे, फिर उस एक्सप्रेशन को हम एनालाइज करते थे और उस एक्सप्रेशन से हम एक ट्रुथ टेबल जनरेट करते थे। ट्रुथ टेबल है वो फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब करेगा कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की। तो ये एनालिसिस हो गया हमारे कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का। अब एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक इनपुट कम्बिनेशन के ऊपर आउटपुट क्या आएगी। अब इसी तरह जब हम एनालिसिस करेंगे क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स का, तो पहले आप ये समझ लें कि क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या है। क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स वो सर्किट्स है जिनके अंदर फ्लिप फ्लॉप हो, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, आपका डी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, टी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, जेके फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो उसके साथ क्लॉक अटैच हो तो वो आपका क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट है। और जब हम उसका एनालिसिस करेंगे तो वो होगा एनालिसिस ऑफ क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट। उसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स वही हैं। हमारे पास एक सर्किट डायग्राम होगी, उससे हम स्टेट इक्वेशन निकालेंगे। स्टेट इक्वेशन क्या है, जब आपका सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट हो तो जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगी, जो इक्वेशन आएगी उसको हम स्टेट इक्वेशन कहेंगे। फिर हम उसे एक टेबल बनाएंगे उस स्टेट इक्वेशन से, जिसको हम स्टेट टेबल कहेंगे। और फिर उसके स्टेट टेबल से हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे स्टेट डायग्राम। ये तमाम का तमाम आपका सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का एनालिसिस है। एक चीज एक्स्ट्रा है आपके कम्बिनेशन सर्किट में, इनपुट और आउटपुट। अगर आप सिक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो उसमें इनपुट और करंट स्टेट या प्रेजेंट स्टेट ऑफ अ सर्किट मैटर करता है। अगर आउटपुट की साइड पे जाएं तो जब आपकी आउटपुट आएगी तो उसमें आउटपुट डिपेंडेंट होती है आपकी इनपुट के ऊपर और करंट स्टेट के ऊपर। उस करंट स्टेट से आपकी न्यू स्टेट जनरेट होती है जब भी आप इनपुट देंगे। यह हमारी एक सर्किट डायग्राम है। क्या ये एक सिक्वेंशियल सर्किट है? बिल्कुल है। अगर आप देखें इसमें दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि डी फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं। एक दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को नेम कर देते हैं, इसको हम फ्लिप फ्लॉप नंबर ए कह देते हैं, इसको हम फ्लिप फ्लॉप नंबर बी कह देते हैं। ये हमारी एक सर्किट डायग्राम है, ये हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं दो, तो ये हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है। ये इसकी इनपुट है एक्स और यहाँ पर इसकी आउटपुट है वाई। इसके साथ हमारे पास दो और चीज़ें हैं, ए और बी। ये ए और बी हमें ये इस वक्त करंट स्टेट आपके, ये आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं और फ्लिप फ्लॉप्स की बैक पे आपका कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। हमने इसको स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट। अब स्कैन करने का ये हमारी सर्किट डायग्राम हमें दी गई है, हम इसको स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या अगर आप इसको कह लें इनपुट टू आउटपुट की तरफ। और हमको स्कैन करके इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे, स्टेट इक्वेशन निकालेंगे। यहां पर जब हम सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की बात करते हैं तो हम बोलियन एक्सप्रेशन को एक और नाम दे देते हैं जिसको हम स्टेट इक्वेशन कहते हैं। स्टेट क्यों? सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है, इसलिए हम इसको स्टेट इक्वेशन कहते हैं। कुछ लोग इसको ट्रांजेक्शन इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि आपका सिक्वेंशियल सर्किट जब भी आप उसको इनपुट देंगे और क्लॉक देंगे वो ट्रांजेक्शन करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ। जो एक्सप्रेशन अब हमने एक्सट्रैक्ट करनी है वो हम इस सर्किट से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? स्टेट एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ए की एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ए की एक्सप्रेशन डिपेंड कैसे करेगी? हम वही बात करेंगे, इनपुट से आउटपुट की तरफ स्कैन करेंगे। यहाँ पे हमारी इनपुट एक्स आ रही है, तो ये इनपुट एक्स मल्टीप्लाई हो रही है ए की फीडबैक के साथ, या अगर आप ऐसे कह रहे कि ये प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट को हम मल्टीप्लाई करें एंड करें एक्स। ए टी प्लस वन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक एंड पे हम ए टी को एक्स कर रहे हैं। ये फर्स्ट गेट जो है हमारा, फर्स्ट एंड गेट, ये ओल्ड जो फीडबैक है, ये जो प्रेजेंट स्टेट है इसको एंड कर रही है करंट इनपुट से। यहाँ पर अगर हम सेकंड को देखें तो यहाँ पर भी एक्स आपका एंड हो रहा है आपकी दूसरा जो लैच था, ये दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप था उसकी आउटपुट से। तो हम इसको कह देंगे कि एक्स डॉट बी टी प्रेजेंट स्टेट है फ्लिप फ्लॉप नंबर बी की, उसको मैं एंड कर रहा हूं एक्स के साथ। और फिर गेट नंबर थ्री इन दोनों एक्सप्रेशन को और कर रहे हैं, और ये आपकी इनपुट के ऊपर जा रहे हैं जो कि आपकी डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है। ये ओल्ड स्टेट है ए टी की, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उस टाइम के ऊपर जो करंट इनपुट थी एक्स की, जो करंट स्टेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनपुट के साथ, जो भी करंट इनपुट है। और करंट स्टेट जो आपके फ्लिप फ्लॉप नंबर बी की है उसको मल्टीप्लाई करें करंट इनपुट के साथ, और इन दोनों की वैल्यूज को एक दूसरे के साथ और करें, और ये इनपुट आ रही है आपकी फ्लिप फ्लॉप नंबर ए की। वही काम करें हम इनपुट से आउटपुट की तरफ स्कैन कर रहे हैं। अब जो ही आपकी क्लॉक पल्स आएगी तो इसका जो भी रिजल्ट है वो आप फ्लिप फ्लॉप नंबर ए की इनपुट बन जाएगा। अब यह हमारे पास स्टेट एक्सप्रेशन आ गई है फ्लिप फ्लॉप नंबर ए की। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
कि जो न्यू आउटपुट है या न्यू स्टेट है या नेक्स्ट स्टेट है आपकी फ्लिप फ्लॉप नंबर ए की, वो इक्विवेलेंट है ओल्ड प्रेजेंट स्टेट डॉट एक्स और प्रेजेंट स्टेट ऑफ बी डॉट एक्स के. जो न्यू स्टेट होगी आपकी या नेक्स्ट स्टेट आप इसको कह ले, जो नेक्स्ट स्टेट है आपके फ्लिप फ्लॉप नंबर ए की, वो इक्विवेलेंट है प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर ए मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ एक्स जो कि आपकी इनपुट है और विद प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर बी एंडेड विद आपकी इनपुट एक्स. अब जो ही आपकी क्लॉक ट्रांजेक्शन आएगी तो जो भी वैल्यूज यहां पर पड़ी होंगी वो आपकी नेक्स्ट स्टेट बनाएंगी. इसी तरह हम स्टेट इक्वेशन निकालना चाहते हैं फ्लिप फ्लॉप नंबर बी की. ये आपका फ्लिप फ्लॉप नंबर बी है, ये इसकी इनपुट है. थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, यहां से हम इनपुट से शुरू करते हैं और आउटपुट की तरफ आएंगे. अब इनपुट पे देखें एक्स हो रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर ए की वैल्यू के साथ एंड. तो हम एक्स को एंड किया फ्लिप फ्लॉप नंबर ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ और उसको हमने एज ए इनपुट दे दिया आपके फ्लिप फ्लॉप नंबर बी को. ये पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजेक्शन आपकी जो ही आएगी ये इस वैल्यू को लेगा और आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले कर देगा. तो अगर हम इसकी एक्सप्रेशन लिखे बी टी प्लस वन इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट टी डॉट एक्स डॉट टी. अब यहां पर हम अगर हम इस टी को रिमूव कर दे तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए को एंड करूं प्रेजेंट स्टेट ऑफ एक्स के साथ ऑन अ क्लॉक पल्स, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी आपकी फ्लिप फ्लॉप नंबर बी की. अगर मैं आउटपुट की एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं तो अगर आप आउटपुट का सर्किट देखें उस ए की जो करंट स्टेट है या प्रेजेंट स्टेट है, बी की जो प्रेजेंट स्टेट है, उन दोनों को और कर रहे हैं और फिर उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स. तो इसकी टोटल एक्सप्रेशन अगर हम बनाएं तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर बी मल्टीप्लाई बाय इनपुट एट प्रेजेंट टाइम और ये हमें आउटपुट दे देगी एट दैट प्रेजेंट टाइम. अब ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, इनपुट्स और आउटपुट्स फॉरन आ जाएंगे, क्लॉक डिपेंडेंट नहीं है. अगर हम यहां से टी को रिमूव कर ले तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं. अब ये हमारी तीन स्टेट इक्वेशन आ गई. ये स्टेट इक्वेशन फॉर ए आ गई इस चीज के लिए, ठीक है. अगर मैं ए की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मेरे पास ए की करंट स्टेट होनी चाहिए, बी की करंट स्टेट होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू होनी चाहिए. अगर मैं बी की नेक्स्ट स्टेट फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे पास करंट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप नंबर ए की और साथ इनपुट होना चाहिए. और अगर मैं वाई आउटपुट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये आपका कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है. ये कैसे कैलकुलेट होगा, आपके पास करंट स्टेट होनी चाहिए एक्स की, करंट स्टेट ए की और करंट स्टेट बी की, तो आप वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं. ये क्लॉक डिपेंडेंट नहीं है. अब ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई. आपके कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में इनपुट्स होती हैं और आउटपुट्स होती हैं. हमने इनिशियली स्टार्ट किया था मल्टीपल इनपुट्स सिंगल आउटपुट, फिर हमने कहा था मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट्स. यहां पर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में आपकी इनपुट्स होती हैं आउटपुट्स होती हैं, साथ उसके आपकी करंट स्टेट होती है और नेक्स्ट स्टेट होती है. जब हम सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का टेबल बनाने लगेंगे तो सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए कि प्रेजेंट स्टेट क्या है. आपको अगर डायग्राम याद हो तो आपके डायग्राम के अंदर दो फ्लिप फ्लॉप थे. जब आपके पास दो फ्लिप फ्लॉप हो तो आपका फॉर्मूला क्या है, 2^n का. ये एन जो है ये एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है. वहां पर हमारे पास टू फ्लिप फ्लॉप थे तो टोटल फ्लिप फ्लॉप टू थे. अगर मैं आप इस फॉर्मूले को में लगाऊं तो मेरे पास टोटल स्टेट्स जो बनती हैं वो कितनी बनती हैं, 4 बनती हैं. अगर से हमारे पास 1 फ्लिप फ्लॉप होता तो टोटल स्टेट्स हमारे पास 2 बनती, 3 फ्लिप फ्लॉप होते तो टोटल स्टेट हमारी कितनी बनती, 8 बनती. अगर हम अपनी स्टेट्स की बात करें तो आपका ये जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है ये 4 स्टेट्स में हो सकता है. या तो ये स्टेट नंबर 00 में होगा या ये स्टेट नंबर 01 में होगा, 10 में होगा या इसकी स्टेट 11 होगी. अब ये इसकी इनपुट करंट स्टेट्स हो सकती हैं या प्रेजेंट स्टेट्स हो सकती हैं आपके इस सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की. साथ उस प्रेजेंट स्टेट के हमारे पास एक और इनपुट भी है. इनपुट क्या है आपके पास, एक्स. अगर हम वही बात करें कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की, अब हमारे पास तीन इनपुट्स बन रही हैं, दो इनपुट्स ए और बी जो कि प्रेजेंट स्टेट हैं और साथ हमारे पास एक और इनपुट है जो कि एक्स है. तो अब हम अगर इसकी टोटल कॉम्बिनेशन ट्राई करें तो हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगी 2^3 वाला फॉर्मूला. तो वापस हम अपने टेबल स्टेट टेबल बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक प्रेजेंट स्टेट होनी चाहिए, इनपुट्स होनी चाहिए. अब इन दोनों को कंबाइन करके आपने फॉर्मूला लगा दिया, दो प्रेजेंट स्टेट्स थी ठीक है और एक इनपुट थी. अब दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ गया 2^3 जो कि इक्वल है 8 के. तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस कितनी बन गई हैं, 8 कॉम्बिनेशन. अब इसी तरह इन 8 कॉम्बिनेशंस के लिए हम आउटपुट जनरेट करना शुरू करेंगे. अब आउटपुट कैसे जनरेट होंगी, हम अब नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स.
अब देखें, अगर आपको नेक्स्ट स्टेट याद हो तो हमने एक्सप्रेशन निकाली थी, अगर मैं ए की नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे ये ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू। यहां पे मेरे पास ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो है। इस एक्सप्रेशन में मैं जब डालूं उसको सॉल्व करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? जीरो। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, अब ए मेरा जीरो है, बी मेरा जीरो है और एक्स मेरा क्या है? वन। ए जीरो, बी जीरो, एक्स वन, इसी एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल रहा हूं। तो यहां पर देखिए 0.1 0.1 रिजल्ट वापस मेरे पास जीरो आ गया, तो मैंने यहां पर क्या फिल कर दिया? जीरो फिल कर दिया। अब थर्ड के लिए अगर मैं थर्ड डालना चाहता हूं तो अब यहां पर देखिए ए की वैल्यू जीरो है, ये मैंने किया हुआ है, ए की वैल्यू जीरो। अब अगर हम इस कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं ए की, तो ये देखें ए जीरो है, बी वन है, एक्स जीरो है। तो यहां पर एक्स हमने जीरो डाल दिया, एक्स जीरो, ए और बी की वैल्यू डाल दी, हमारा रिजल्ट फिर क्या आ गया? जीरो। तो ये मैंने लिख दिया। अगर हम इस कॉम्बिनेशन के लिए देख लें कि ए हमारा जीरो हो, बी वन हो और एक्स भी वन हो, तो ए जीरो है, बी वन है, एक्स वन है। जब मैं ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डालूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। यहां पर मैंने लिख दिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख लें, ए वन है, बी जीरो है, एक्स जीरो है। तो अब गौर से देखिए, जब एक्स जीरो होगा तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ए वन है, बी जीरो है, एक्स वन है, ए भी वन है, एक्स भी वन है, ये सारा का सारा बी की वजह से जीरो हो जाएगा। इसको जीरो कर देंगे, इन दोनों वन वन की वजह से यहां पर आउटपुट पे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। ए वन है, बी वन है, एक्स जीरो है, एक्स जब भी जीरो हो तो आपने इसको ऑटोमेटिकली क्या कर देना है? जीरो करना है। अब तीनों वन है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? वन आएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की ए आ गई कि अगर मैं ए को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे पास ए कैसे कैलकुलेट होगा? वो जो एक्सप्रेशन थी उसके अंदर हम वैल्यूज डालते गए और हमारे पास ए कैलकुलेट हो गया। अगर मैं बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो बी की एक्सप्रेशन देख ली, हमारे पास बी की एक्सप्रेशन बनती थी जो कि हमने अपनी डायग्राम से निकाली है। अब ये बी की एक्सप्रेशन क्या है? हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स के साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट को। तो अब हमें यहाँ पे बी रिक्वायर नहीं है तो हम बी को कंसीडर ही नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ए और एक्स की वैल्यू चाहिए। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, बी की न्यू स्टेट की वैल्यू निकालना चाहता हूं कि बी की नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, तो उसमें मुझे ए की प्रेजेंट स्टेट चाहिए और एक्स की वैल्यू चाहिए। अब यहां पे देखिए ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब जहां जहां पर आपका एक्स जीरो होगा आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाना है। तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत वैसे पड़नी नहीं है। तो जहां जहां आपका एक्स जीरो लिखा हुआ है वहां पर आप जीरो लिखते जाएं। यहां पर भी हमने जीरो लिख दिया, यहां पर भी हमने जीरो लिख दिया। अगर बी की न्यू स्टेट की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो एक्स पे डिपेंडेंट था और ए पे, एक्स को तो हमने जीरो कर दिया तो उसके रिजल्ट उसकी वजह से तो ये तमाम चार जीरो हमारे पास आ गए। अब देखते हैं कि ये बाकी जो चार जगह रह गई है ए इसको कैसे अफेक्ट करता है। यहां पर देखिए ए जब भी वन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। वो जीरो जब भी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां पर भी आप जीरो डाल दें तो ये चारों भी जीरो। तो नीचे वाले आपके तमाम के तमाम आउटपुट्स क्या हो गए? जीरो। ये जीरो है, ये वन है, ये दोनों सेम वैल्यूज है। यहां पर भी जीरो है, वन है। जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लू, जीरो का कॉम्प्लीमेंट, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? वन। वन डॉट वन इज वन। तो यहां पर दोनों आपके क्या आ गए? वन आ गए। तो अगर इस टेबल को मैं कंप्लीट करके देखूं तो ये मेरा कंप्लीट टेबल बनता है फॉर न्यू स्टेट ऑफ बी या नेक्स्ट स्टेट ऑफ बी। अगर बी अगर प्रेजेंट वैल्यू ये है स्टेट्स की और इनपुट की वैल्यू ये है तो ये बी की वैल्यू बन जाएगी। हमने कहा था आपके जो स्टेट टेबल है या ट्रांजेक्शन टेबल है इस केस में उसमें चार चीज होती है, एक आपकी प्रेजेंट स्टेट, एक आपकी इनपुट स्टेट, एक आपकी नेक्स्ट स्टेट और एक और चीज है आपकी आउटपुट। और हमारे पास इस केस में आउटपुट क्या है? y। अब अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो किस पे डिपेंडेंट है? a, b और x कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहां पर a, b दोनों जीरो हैं तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो। तो जीरो को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो। अब यहां पर फिर ए बी जीरो है तो इसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। उसको आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें आंसर वापस क्या आ जाएगा? जीरो। इसको भी देख लें। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? ए जीरो है, बी वन है। हमने ए को जीरो डाला, बी को वन डाला तो दोनों और ऑपरेशन हो रहे हैं, आउटपुट पे क्या आ जाएगा? वन। लेकिन एक्स जीरो का कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब हम जीरो का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास यहां पर वन आ गया, वन डॉट वन इज इक्वल टू वन। तो हमने यहां पर वन डाल दिया। उससे नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, b 2 के 1 है लेकिन यहां पे x है, x का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसको क्या कर देगा?
जीरो कर देगा. अब यहां पे देखिए, हमने जब एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिया तो जीरो आ गया. जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ए और बी. ए और बी है, इससे रिजल्ट आ जाएगा वन. ए वन है, बी जीरो है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा वन. एक्स का कॉम्प्लीमेंट लें तो एक्स क्या है, जीरो. जब मैं जीरो का कॉम्प्लीमेंट लूं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वन. तो यहां पर आपके पास वन डॉट वन, तो रिजल्ट क्या आएगा, वन. अगर मैं इससे नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां पे वन है, इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन. एक्स का कॉम्प्लीमेंट, तो वन का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या आएगा, जीरो. इसी तरह देखिए यहां पे भी, जब भी एक्स वन होगा इसकी वजह से यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो. इसको देखें, वन प्लस वन का रिजल्ट वन आएगा, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन आएगा, तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन. तो अगर मैं इसका कंप्लीट टेबल देखूं तो ये मेरे पास कंप्लीट टेबल बनता है वाई आउटपुट का. अगर मेरे पास इनपुट कॉम्बिनेशन है ए बी और एक्स की, इससे मेरी वाई आउटपुट बन गई, ये मेरा वाई का टेबल बन गया. अभी मेरा कंप्लीट स्टेट टेबल है जो कि मुझे ये बताता है कि प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स की वैल्यू से आप नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट की वैल्यू जनरेट करा सकते हैं. अब देखिए इस टेबल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हमें आगे हेल्प करेगा. हम इस टेबल को इस तरीके से भी बना सकते हैं कि अगर हम इसको ये कह दें कि देखिए ये हमारी प्रेजेंट स्टेट्स हैं, तो इसकी ये चार कॉम्बिनेशंस बनेंगी. तो इन चार कॉम्बिनेशंस को हमने दो दफा लिखा हुआ है, तो इनको दो दफा की बजाय हम एक दफा लिख देते हैं यहाँ पर. फिर हम क्या कर रहे थे कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, और एक्स की वैल्यू वन हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी और आउटपुट क्या आएगी. प्रेजेंट स्टेट जीरो जीरो है और एक्स इक्वल टू जीरो है. ये देखें मेरी प्रेजेंट स्टेट जीरो जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो जीरो है, तो मेरी न्यू स्टेट क्या बनेगी, जीरो जीरो. तो ये मैंने देखिए जी नेक्स्ट स्टेट के अंदर लिख दिया या जीरो जीरो, और आउटपुट के ऊपर क्या आएगा, जीरो. अब नेक्स्ट देखें, अगर मेरी स्टेट प्रेजेंट स्टेट जीरो जीरो है, ठीक है, और एक्स के ऊपर वैल्यू वन आ गई, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, मेरी नेक्स्ट स्टेट बनेगी जीरो वन, ये मेरी नेक्स्ट, और आउटपुट के ऊपर मेरे पास क्या आएगा, जीरो. ए बी जीरो जीरो थे और x इक्वल टू वन था, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट जीरो वन बनी, और जो मेरी y की आउटपुट थी वो क्या बन गई है, जीरो. प्रेजेंट स्टेट जीरो वन है और x के ऊपर जीरो है, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, ये मेरी नेक्स्ट स्टेट है और ये मेरी उसकी आउटपुट है, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट पे जीरो जीरो आ गया, एग्जैक्टली वही चीज, आउटपुट के ऊपर क्या आ गया, वन आ गया. अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट जीरो वन हो, अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट जीरो वन हो, x की वैल्यू वन हो, मेरी प्रेजेंट स्टेट 01 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मेरी न्यू स्टेट क्या बनेगी, मेरी न्यू स्टेट बनेगी 1 1, और मेरी आउटपुट क्या आएगी, 0. अभी आगे हुआ आप जरा सा देख लें, ये चीज हो रही है. अगर मेरी स्टेट 1 0 है, अब यहां पे देखिए 1 0 है, अगर मैं x इक्वल टू 0 लिखता हूं, ये मेरा x इक्वल टू 0, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या बनती है, मेरी नेक्स्ट स्टेट बनती है 0 0. आउटपुट मेरी क्या बनेगी, आउटपुट मेरी बनेगी 1, ये मेरी आउटपुट. अब इधर ही मैं इसको देख लें, x equal to 1 के लिए ट्राई कर लेते हैं. प्रेजेंट स्टेट 1 0 है, ये वाली प्रेजेंट स्टेट है, और मेरी x के ऊपर 1 आ जाता है, इनपुट x के ऊपर 1 आ गया, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, मेरी नेक्स्ट स्टेट बनेगी 0 0, और आउटपुट मेरे पास क्या आएगी, 0. अगर मैं स्टेट नंबर 1 1 पे हूं, अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट 1 1 है और x equal to, तो मेरे पास न्यू स्टेट क्या बनेगी, मेरे पास न्यू स्टेट बनेगी 0 0, और आउटपुट मेरे पास क्या आएगी, आउटपुट आएगी 1. अगर मेरे पास प्रेजेंट स्टेट 1 1 है, अब इसको देख लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 1, अगर मेरे पास प्रेजेंट स्टेट 1 1 है, प्रेजेंट स्टेट 1 1 है, ये वाली मेरी प्रेजेंट स्टेट हो गई, x इक्वल टू 1 है, ये मेरा x इक्वल टू 1 हो गया, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, मेरे पास नेक्स्ट स्टेट बनेगी 1 0, और मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट मेरे पास आएगी 0. अब देखिए जब हम सारी प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे पास टेबल कुछ इस तरीके से फिल होता है. ये हमारा स्टेट टेबल है, और स्टेट टेबल से हमें इसकी स्टेट डायग्राम जनरेट करनी है, इसलिए हमें स्टेट टेबल को इस फॉर्मेट से, ये जो ये वाला फॉर्मेट है, इसको हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये फॉर्मेट हमें हेल्प करता है स्टेट डायग्राम एक्सट्रैक्ट. अब ये जो स्टेट टेबल है, ये हमें हेल्प करेगा स्टेट डायग्राम बनाने के लिए. स्टेट डायग्राम है क्या, ये जो स्टेट टेबल है, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है आपके सर्किट की. वो जो हमने सिक्वेंशियल सर्किट बनाया था, ये उसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ये बता रहे कि स्टेट्स कैसे चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है स्टेट नंबर 00 के ऊपर है, अगर आप सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में आप स्टेट नंबर 00 पर हैं, अगर आप इनपुट x इक्वल टू 0 देंगे तो आप उसी स्टेट के अंदर ही रहेंगे और आउटपुट आपके पास 0 आएगी, और अगर आप इनपुट 1 देंगे तो आप दूसरी स्टेट के ऊपर चले जाएंगे और आपका जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है वो अपने अंदर 01 सेव कर लेगा, या उसकी नई स्टेट 01 होगी, आउटपुट के ऊपर 0 आ रहा होगा. अब इसी तरह ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, दो किट्स, और ये आपकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है. कंपैरेटिवली ये इजी है, अगर आप इस अपने एक्चुअल डायग्राम को देखें, आप डायग्राम
से इतना कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते जितना इजीली आप इस टेबल को देख के चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं हमारी स्टेट डायग्राम है। स्टेट डायग्राम का मतलब क्या है कि हम अपने सिस्टम को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा सिस्टम है उसकी चार स्टेट्स थी, हमने शुरू से देखा कि ये जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है इसकी चार स्टेट्स हैं 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1। हमने उन चार स्टेट्स को इन सर्कल्स में डाल दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास चार डिफरेंट स्टेट्स में हमारा सिस्टम जा सके, क्योंकि हमारा सिक्वेंशियल लॉजिक जो सर्किट था उसके अंदर दो डी फ्लिप फ्लॉप थे। जब दो डी फ्लिप फ्लॉप्स हो तो हमारे पास टोटल चार कॉम्बिनेशन बनती हैं, इसके अंदर चार डिफरेंट स्टेट्स आ सकती हैं। स्टेट डायग्राम को देखें कि स्टेट डायग्राम ये शो करेगी कि इन स्टेट्स के दरमियान रिलेशन क्या है और ये सिस्टम कब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाएगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं इस स्टेट से स्टार्ट करता हूँ, स्टेट नंबर क्या है, या अगर आपका सिक्वेंशियल सर्किट स्टेट 0, 0 के ऊपर है और इनपुट एक्स 0 दी जाएगी, अगर एक्स को 0 किया जाए तो जो न्यू स्टेट बनेगी वो वही स्टेट होगी। इसका मतलब अगर इनपुट के ऊपर x इक्वल टू 0 आ रहा है इस सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर, अगर आप इनपुट के ऊपर 0 देते हैं तो ये सिस्टम इसी स्टेट पे रहेगा, और ये आउटपुट पे आपको क्या देगा, ये आउटपुट पे भी आपको क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। कि अगर ये हमारी स्टेट है प्रेजेंट स्टेट, अगर मैं इनपुट के ऊपर 0 देता हूँ, नेक्स्ट क्लॉक पल्स आती है सिक्वेंशियल सर्किट पे, तो नेक्स्ट स्टेट यही होगी और ये आउटपुट पे आपको 0 दे देगा। अब यहाँ पे ये जो इंडिकेशन है 0 by 0 लिखा हुआ है, ये 0 इनपुट की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है कि इनपुट के ऊपर जब 0 आएगा तो आउटपुट के ऊपर 0 आएगा, ये सिस्टम इसी स्टेट से वापस इसी स्टेट के अंदर लूप कर जाए, तो जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, सिस्टम के अंदर वही वैल्यू सेव है, आउटपुट के ऊपर 0 आउटपुट कर दे। इसी स्टेट को कंसीडर करते हैं, अगर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट इस वक्त करंटली 0, 0 स्टेट और मैं x की वैल्यू 1 लगाता हूं, अगर मैं इनपुट जो है हमारी x उसकी इनपुट के ऊपर 1 देता हूं कि ये 0, 1 वाली स्टेट के ऊपर चला जाएगा जो कि आपकी नीचे वाली स्टेट है, तो ये 0, 0 से न्यू स्टेट जो बनाएगा वो 0, 1 वाली। तो हमने इनपुट के ऊपर क्या दिया, x की वैल्यू 1 जब दी तो ये 0, 0 स्टेट से आपका जो सिक्वेंशियल सर्किट था 0, 1 स्टेट के ऊपर आ गया, आउटपुट पर y की वैल्यू 0 दे दिया। ये सीक्वेंस सर्किट 0, 0 स्टेट पे था, आपने x की इनपुट को 1 दिया तो ये 0 स्टेट से 0, 1 स्टेट के ऊपर आ गया है, और वहां पे इसने आउटपुट पे आपको क्या दिया है, y = 0, तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जंप कर रहे हैं। अब अगर हम 0, 1 स्टेट को कंसिडर कर लेते हैं, अगर आपका सिक्वेंशियल सर्किट 0, 1 स्टेट को अपने अंदर सेफ, आपकी जो दो डी फ्लिप फ्लॉप है एक अंदर 0 सेफ है एक अंदर 1 सेफ है, और मैं इनपुट x = 0 देता हूं, जब करंट आपका सिस्टम 0, 1 के ऊपर है, मैं इनपुट के ऊपर x = 0 देता हूँ, तो ये आपका न्यू स्टेट कौन सी बन जाएगी, ये आपकी न्यू स्टेट 0, 0 बन जाएगी। तो ये यहाँ से आपने इनपुट के ऊपर क्या दिया है, x = 0 दिया है, आउटपुट के ऊपर क्या आ रहा है, y = 1 आ रहा है। क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट जब इस ये 0, 1 स्टेट के ऊपर था, आपने x इनपुट के ऊपर 0 डाला, तो ये नई स्टेट जो जाएगा वो नई स्टेट 0, 0 होगी, तो ये 0, 1 से 0, 0 स्टेट पर चला जाएगा, y की जो आउटपुट होगी उसके ऊपर 1। जब हम 0, 1 के ऊपर हैं और हम इनपुट x = 0 डालते हैं, 0, 0 स्टेट। अगर हम ये कहते हैं कि इस वक्त आपका जो सर्किट है जो कि सिक्वेंशियल सर्किट है ये 0, 1 स्टेट के ऊपर है, आप अगर इसकी x की इनपुट के ऊपर 1 देंगे तो ये x की इनपुट 1 देकर 1, 1 स्टेट के ऊपर चला जाएगा, ये आपकी 1, 1 स्टेट है, ठीक है, ये इस 1, 1 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। जब आपने x को 1 दिया आउटपुट पे, ये आपको क्या देगा, 0। तो ये चीज बता, जब आप 0, 1 पे हैं, आपका सिस्टम 0, 1 स्टेट पे है, आपने इनपुट के ऊपर x = 1 दिया, तो न्यू स्टेट क्या बन जाएगी, 1, 1। अब हमने देखी ये ऊपर वाले दोनों स्टेट से हम दूसरी दो डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर स्विच कर चुके हैं, जब हम x = 0 दिया था तो यहाँ पर आ गए थे, x = 1 दिया तो यहाँ पर आए थे, इसी तरह 0, 1 स्टेट से हम पहले 0, 0 पर गए, इसी तरह जब x = 0 दिया था, अब जब हम 0, 1 स्टेट पे था आपका सिक्वेंशियल सर्किट, जब आपने x = 1 दिया तो ये 1, 1 स्टेट के ऊपर चला गया, आउटपुट एज इट इज साथ करता जा रहा है, या आपके सिस्टम की या आपका जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है वो ये स्टेट डिस्प्ले कर रहा है या इस स्टेट के ऊपर है। और अब फिर इस स्टेट के ऊपर x = 1 लगाते हैं, आप इस स्टेट पे खड़े हैं और x की वैल्यू 1 लगाते हैं, तो आप 1, 0 स्टेट पे खड़े हैं, जब आप x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो आप वापस 1, 0 स्टेट के ऊपर ही आ जाएंगे, और आउटपुट के ऊपर आप क्या देंगे, y = 0। इसी तरह अगर मैं 1, 0 स्टेट के ऊपर खड़ा हुआ हूं, आपकी सिस्टम के अंदर 1, 0 स्टेट है, जो ही आपने इनपुट के ऊपर x = 0 लगाया
एक्स इक्वल टू जीरो लगाया तो ये सिस्टम आपका जो है ये जो सिक्वेंशियल सिस्टम है ये चला जाएगा जीरो जीरो वाली स्टेट के ऊपर और आउटपुट पे आपको क्या देगा वाई इज इक्वल टू वन। तो ये दोनों स्टेट भी हमने ट्राई कर ली कि जब आपका सिस्टम जीरो वन पे हो तो जीरो दें तो यहाँ पे जाएगा, वन जीरो पे हो जब आपका सिस्टम वन जीरो पे हो तो जीरो एक्स इक्वल टू जीरो दें तो यहाँ पे चला जाएगा। अगर आपका करंट स्टेट वन जीरो है और अगर आपने x इक्वल टू वन दिया तो ये वन जीरो पर ही लाएगा, वहां पे ही लूप करेगा। अब हम लास्ट वाली इक्वेशन उसको देख लेते हैं स्टेट को। अगर आपका सिस्टम स्टेट वन वन के ऊपर है और आपने इनपुट के ऊपर x इक्वल टू जीरो दिया, आपका सिस्टम वन वन के ऊपर है आपने इनपुट के ऊपर x इक्वल टू जीरो दिया तो ये कहां पर चला जाएगा, ये आपका सिस्टम जीरो जीरो स्टेट के ऊपर चला जाएगा। आपने इनपुट के ऊपर क्या दिया है जीरो दिया है, आउटपुट पे ये आपको क्या देगा वन देगा। देख लें तो जब आपने वन वन स्टेट पे आपका सिस्टम के अंदर करंटली वन वन स्टेट है या प्रेजेंट स्टेट वन वन है आपने एक्स इक्वल टू जीरो किया तो ये जीरो जीरो स्टेट के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर आपका सिस्टम इसी वन वन स्टेट के ऊपर है और आप एक्स इक्वल टू वन करते हैं, स्टेट ये है वन वन, आप करंट स्टेट ये है, प्रेजेंट स्टेट ये है और अगर आप इनपुट एक्स इक्वल टू वन देंगे, अगर आप इस वक्त आपके सिस्टम स्टेट वन वन अपने अंदर सेव कर रहा है ठीक है और आपने x इक्वल टू वन दिया, आपके सिस्टम वन वन सेव करे आपने x इक्वल टू वन दिया तो ये किस स्टेट के ऊपर चला जाएगा वन जीरो के ऊपर। तो यहां से कहां पर आ जाएगा वन जीरो के ऊपर, x की वैल्यू आपने क्या दी थी वन, आउटपुट पे ये आपको क्या देगा ये आउटपुट पे आपको जीरो दे देगा। अब ये आपकी स्टेट डायग्राम है। अब ये स्टेट डायग्राम बता रही क्या है कि आपकी सिस्टम इन चारों में से किसी भी स्टेट पे हो सकता है और जब भी आप x की कोई वैल्यू देंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा किसी दूसरी स्टेट के ऊपर चला जाएगा, उस स्टेट के ऊपर एक पर्टिकुलर आउटपुट भी जनरेट करेगा। और इस स्टेट डायग्राम से ये टेबल ज्यादा कंपैरेटिवली आसानी से एक्सप्लेन कर रहा है आपके सिस्टम की वर्किंग को या आपके सर्किट के बिहेवियर को। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बिहेवियर को शो करने के लिए पहले आप उस सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट लेते हैं, उसका आप टेबल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस टेबल से आप स्टेट डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने सिस्टम के सीक्वेंस को या उसकी स्टेट्स को आप समझ सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। कभी कभी ये ऑपरेशन हम उल्टा भी करते हैं, आगे हम जाएंगे तो हम ये ऑपरेशन एक्चुअली उल्टा करेंगे, हम एक स्टेट डायग्राम से आपका सर्किट बनाएंगे। तो जब काउंटर्स होंगे या रजिस्टर्स की बात करेंगे तो ये प्रोसेस हम उल्टा चलाएंगे जिससे हम अपने सिस्टम अपना कोई भी किस्म किसी भी किस्म का सर्किट जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम इस तमाम की तमाम जो हमने प्रोसेस है इसकी समरी करें तो आपके पास हमने किया क्या था, एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, अगर आपके पास कोई भी बना बनाया स्टेट सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है तो आप उससे उसकी स्टेट्स को समझ सकते हैं या उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा कि पहले आप उसकी इक्वेशंस निकालें, आप उसकी स्टेट इक्वेशंस निकालें, फिर स्टेट इक्वेशन से स्टेट टेबल बनाएं। अब स्टेट टेबल के अंदर चार चीजें होती है, आपकी प्रेजेंट स्टेट, इनपुट्स, ये दोनों कंबाइन होकर आपकी न्यू स्टेट और आउटपुट जनरेट करते हैं। कभी कभी शायद आउटपुट की जरूरत ना पड़े और कभी कभी शायद इनपुट की जरूरत भी ना पड़े, जब हम आगे जाएंगे काउंटर्स बनाते वक्त तो हमें इन चीजों की समझ आ जाएगी। हमारे पास स्टेट डायग्राम होगी और हम उस स्टेट डायग्राम से अपना सर्किट डायग्राम निकालें। यहां पर हम एनालिसिस को सिर्फ डी फ्लिप फ्लॉप के साथ किया है, हम इस एनालिसिस को बाकी जो फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल हैं जैसे टी फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप है, उसके साथ भी ट्राई करेंगे। अगर हम फ्लिप फ्लॉप इक्वेशन की बात करें तो हम फ्लिप फ्लॉप इक्वेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक कैटेगरी को हम कहेंगे हमारी आउटपुट इक्वेशन और दूसरी कैटेगरी को हम कहेंगे हमारी इनपुट इक्वेशंस। आउटपुट इक्वेशंस क्या हैं, वो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो आउटपुट जनरेट कर रहे हो, जैसे हमारी एग्जांपल में वाई था वो हमें आउटपुट जनरेट करके आउटपुट का फंक्शन देना था। और इनपुट इक्वेशन क्या है, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो जनरेट कर रहे हो इनपुट टू अ फ्लिप फ्लॉप, जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के ऊपर लगे हों तो हमारी इनपुट इक्वेशंस होगी, जो इनपुट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट से जो इक्वेशन आ रही हैं वो हमारी इनपुट इक्वेशंस होंगी और फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से जो इक्वेशंस आ रही है उनको हम आउटपुट इक्वेशंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये हमारी एग्जांपल है एक इनपुट इक्वेशन की। डी क्यू क्या बता रहा है कि ये एक डी फ्लिप फ्लॉप है जिसको इनपुट आ रही है दो वेरिएबल एक्स और वाई और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं और हो रहे हैं। यहाँ पर देखें हमने जो सर्किट यूज़ किया था उसके अंदर हमारे पास तीन इक्वेशन आ रही थी, दो ये इक्वेशन थी, अब ये इक्वेशन को देखें ये वाई वाली इक्वेशन, ये आपकी आउटपुट इक्वेशन है, ये आपका वाई है, ये आपका बेसिकली आउटपुट बना रहे एक्स और साथ
ए और बी की कम्बिनेशन से हमारी आउटपुट एक्सप्रेशन आ रही है, तो इसको हम कहते हैं हमारी आउटपुट इक्वेशन है। अगर हम इनपुट इक्वेशन की बात करें तो ये जो हमारी ये फ्लिप फ्लॉप ए को जो इनपुट जा रही है और इसके पीछे जो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बना हुआ है और उस सर्किट से जो एक्सप्रेशन आ रही है उसको हम इनपुट एक्सप्रेशन कह रहे हैं। यहाँ पर याद हो हम पहले इसको डी ए टी प्लस वन यूज़ करते हैं, अब यहाँ पर हमने इसको डी ए कर दिया। इस डी ए का मतलब क्या है कि जो आपका लैच नंबर ए है वो डी लैच है, उसकी जो इनपुट हैं वो ये बन रही है ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। ये डी भी ये शो कर रहा है कि जो आपका बी फ्लिप फ्लॉप है इट्स अ डी फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ पे इसलिए हमने इस डी को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो फ्लिप फ्लॉप इक्वेशंस की एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको आप देख लें कि दो चीज़ें हैं, इनपुट इक्वेशंस और आउटपुट।